हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज पेंटिंग मैम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन जी का स्केच, क्योंकि आज हरिवंश राय बच्चन जी की जयंती है और ये काफी अच्छे कवि और अमिताभ बच्चन जी के पापा हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी का स्केच बनाने के लिए एक डार्क पेंसिल से उनका चश्मा स्केच करेंगे। उसमें उनकी दोनों साइड में आइज बनाएंगे। वो चश्मे से थोड़ा नीचे की ओर झांक रहे हैं, इसलिए उनकी आइज हमने ऊपर की ओर बनाई हैं। और फिर हम उनकी नोज़ बनाएंगे, इसके बाद हम उनका लिप्स बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो देखिए, हमने उनके चश्मे का आकार दिया है, इसके बाद हमने उनके फेस का आकार दिया है। तो इस तरीके से उनके फेस को हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से बनाने के लिए उनकी ईयर बनाएंगे और उनके फिर हेयर बनाकर उनके नेक बनाएंगे और अब हम हेयर बनाएंगे उनके। तो देखिए, इस तरीके से उनका फेस का आकार बन के तैयार हो गया है। तो अब हम उसमें इनके हेयर को सेट करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि इनका स्केच काफ़ी उभर के भी आएगा और अच्छा लगेगा। तो देखिए, अब हमने इनके कॉलर बनाया है। कॉलर बनाने के लिए हमने एक साइड में थोड़ा सा डार्क करके दिखाया है, जिससे ये काफ़ी उभर के भी आ रहा है और अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से इनका स्केच बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा डार्क करने के लिए हेयर को डार्क पेंसिल लेंगे और हेयर को थोड़ी अच्छी तरीके से सेट करके लाएंगे, और जिससे ये काफ़ी उभर के भी आएगा। तो देखिए, इस तरीके से उनका हेयर भी बन गया है। अब हम एक पेन लेंगे, पेन से उनकी आईज और चश्मे को डार्क करेंगे, हल्का हल्का डार्कनेस लाएंगे, जिससे ये काफ़ी स्केच अच्छी तरीके से बन के आएगा। तो देखिए, इनका स्केच बन के तैयार हो गया है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।